एनडीए के उम्मीदवार हैं और वो लाखों मतों से चुनाव जीते हैं, लेकिन आज वैसे नेता बिहार आ रहे हैं जिस नेता ने लालू प्रसाद जी को मुखिया तक नहीं बनने देने का प्रण लिया, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर लालू प्रसाद जी को सड़क पर खड़ा करने का काम किसी एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम है राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। आज बिहार दौरे पे भागलपुर में राहुल गांधी आ रहे हैं। जी हाँ, आज बिहार दौरे पे राहुल गांधी आ रहे हैं, चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि विपक्षी दल के कुछ नेता तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी भी उनके साथ मंच साझा करने वाले हैं। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने सीधा तंज कसा, सम्राट चौधरी ने उन पर जमकर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि आज बिहार में एक ऐसा नेता आ रहा है, वो एक ऐसा नेता है जिन्होंने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोका था। जी हाँ, सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि वही एक ऐसा नेता है जो लालू यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोके थे और सड़क पे लाके खड़ा कर दिए थे। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुनिए। एनडीए के उम्मीदवार हैं और वो लाखों मतों से चुनाव जीते हैं, लेकिन आज वैसे नेता बिहार आ रहे हैं जिस नेता ने लालू प्रसाद जी को मुखिया तक नहीं बनने देने का प्रण लिया, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर लालू प्रसाद जी को सड़क पर खड़ा करने का काम किसी एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम है राहुल गांधी। तो सुना आपने किस तरीके से सम्राट चौधरी ने अपना सीधा तंज कसा और निशाना साधा। बता दें कि इससे पूर्व तेजस्वी की जनसभा में गाली को लेकर भी उन्होंने खूब खड़ी कोटी सुनाई थी। उन्होंने ये कहा था कि यही संस्कार है राजद के और राजद इसी पे जिंदा है, अब भ्रष्टाचारियों को जेल जाना होगा। ऐसे गाली देने वाले लोगों को अब जनता माफ नहीं करेगी। इसके साथ ही बता दें कि सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि 400 पार होगा, लालू यादव जहां खड़े रहेंगे वहां तो लोकतंत्र होगी ही नहीं, लालू यादव एक पंजीकृत अपराधी है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ।